सेल्फ केसी मीना, लेक्चरर पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको विषय 301 के अंदर टाइम बेस्ड सर्किट पार्ट 2 के अंदर टाइप्स ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर्स डिस्कस करूँगा। इससे पिछली क्लास पार्ट 1 के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि टाइम बेस्ड सर्किट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, टाइम बेस्ड सर्किट के क्या क्या फीचर्स हैं। तो आज की क्लास में हम जो टाइप्स ऑफ टाइम बेस्ड सर्किट या जनरेटर्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले टाइम बेस्ड सर्किट या जनरेटर्स मुख्य तौर पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला, फ्री रनिंग टाइम बेस्ड जनरेटर्स। ऐसे टाइम बेस्ड जनरेटर्स जो बगैर किसी ट्रिगर सिग्नल के स्वीप सिग्नल जनरेट करते हैं। ये पीरियडिक वेवफॉर्म्स को डिस्प्ले करने के काम में आते हैं। इनका जो स्वीप टाइम है और वो जिस वेवफॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए ये काम में ले जाते हैं उसके टाइम पीरियड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इनका स्वीप टाइम जिस वेवफॉर्म को डिस्प्ले करेंगे उसके टाइम पीरियड से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा है आपका ट्रिगर टाइम बेस्ड जनरेटर्स। ये ऐसे टाइम बेस्ड जनरेटर या सर्किट्स हैं जो ट्रिगर सिग्नल देने के पश्चात ही एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए आपका स्वीप सिग्नल जनरेट करते हैं। ये वाइडेंट नैरो पल्सेज के रूप में जो सिग्नल होते हैं उनको डिस्प्ले करने के काम में आते हैं। तीसरा है आपका फंडामेंटल टाइम बेस्ड जनरेटर्स। तो फंडामेंटल टाइम बेस्ड जनरेटर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपका कैपेसिटर होता है और उसका एक चार्जिंग सर्किट बनाते हैं। तो थ्रू रेजिस्टेंस कैपेसिटर चार्ज होता है और वोल्टेज कंट्रोल स्विच की सहायता से उसको चार्ज या डिस्चार्ज किया जाता है। जब स्विच एक तरीके से ओपन रहता है तब जो कैपेसिटर है चार्ज होता है, और जैसे ही वोल्टेज कंट्रोल स्विच क्लोज होता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। तो इस प्रकार से जो टाइम बेस्ड सर्किट्स हैं वो मुख्य तौर से तीन प्रकार के हो गए। टाइम बेस्ड सर्किट्स में आगे हम बढ़ने से पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो चार्जिंग है वो कैपेसिटर की किस प्रकार होती है, डिस्चार्जिंग टेक्निक्स हम कौन सी काम में ले रहे हैं, तीसरा जो वोल्टेज ऑपरेटेड स्विच है उसके रूप में हम किसको काम में ले रहे हैं, UJT को काम में ले रहे हैं या ट्रांजिस्टर को काम में ले रहे हैं या और कोई एक्टिव डिवाइसेस को हम काम में ले रहे हैं। चौथा बात है आपकी जो स्वीप वेव फॉर्म है उसके लीनियरलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए कौन सी टेक्निक हम काम में ले रहे हैं। तो इन सब बातों की जानकारी जुटाना भी आवश्यक है। अब इसके बाद में आते हैं हम कि कौन कौन से मेथड्स हैं आपके टाइम बेस्ड वेवफॉर्म को जनरेट करने के। तो सबसे प्रमुख मेथड है आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये भी पुनः तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला एक्सपोनेंशियल चार्जिंग, दूसरा चार्जिंग डिस्चार्जिंग यूजिंग UJT, तीसरा कांस्टेंट करंट चार्जिंग। तो एक तरीके से चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मेथड के तीन पार्ट हैं आपके, एक्सपोनेंशियल चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग यूजिंग UJT और कांस्टेंट करंट चार्जिंग। दूसरा है आपका मिलर सर्किट, तीसरा है आपका बूटस्ट्रैप सर्किट, चौथा है फेंटोस्ट्रॉन सर्किट, पांचवा आपका कंपनसेटिंग नेटवर्क एंड छठा है आपका इंडक्टर सर्किट। तो जो इम्पोर्टेंट वंस हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आपका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। उसमें सबसे पहला मेथड है आपका एक्सपोनेंशियल चार्जिंग। तो एक्सपोनेंशियल चार्जिंग का सबसे सिंपलेस्ट जो सर्किट है वो ये है आपका, ठीक है। ये कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये सप्लाई है, आपका रेजिस्टेंस है। तो जब आपका जो स्विच है ये ओपन होगा उस स्थिति में क्या होगा, आपका कैपेसिटर चार्ज होगा थ्रू आर, ठीक है। और जैसे मैं वेवफॉर्म ये दिखा रखी है आपकी, इधर वर्टिकल एक्सिस में स्वीप वोल्टेज है, इधर आपका टाइम है। तो एक्सपोनेंशियली चार्ज हो रहा है धीरे धीरे। मान लीजिए TS स्वीप टाइम के ख़त्म होने पर क्या होगा, आपका वोल्टेज कंट्रोल स्विच जो भी हम अरेंजमेंट काम में लेते हैं उसकी सहायता से स्विच ऐसे क्लोज हो जाता है और आपका जो कैपेसिटर है सिर्फ VS वोल्टेज तक ही चार्ज होगा। ये मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका लीनियर होता है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ही हमारा आउटपुट होता है जो कि आपकी चार्जिंग इक्वेशन है कैपेसिटर की, VS=VCC(1-e^-t/RC) जहाँ की आपका टाइम कांस्टेंट है। इसका स्वीप स्पीड एरर ES वो होता है आपका VS
स्वीप वोल्टेज डिवाइडेड बाय वीसीसी। इससे हम जानते हैं कि ईएस का मान जितना कम होगा लीनियरिटी उतनी ही अच्छी होगी। ईएस का ध्यान दोबारा दीजिए आप, स्वीप स्पीड एरर में वीएस का मान जितना कम होगा उतना ही ईएस का मान कम होगा, और ईएस का मान कम होगा तो लीनियरिटी उतनी ही अच्छी होगी। ये ऐसी एप्लीकेशंस के अंदर सुटेबल है जहाँ लोअर स्वीप वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर कि लोअर स्वीप वोल्टेज वीएस के लोअर मान के लिए ही ये जो मेथड है वो सुटेबल है। जो इसकी रेंज है वो टेंस ऑफ वोल्ट्स 10-20 वोल्ट के लिए ये सुटेबल है स्वीप वोल्टेज के रूप में। फॉर एग्जांपल इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि ये किसके लिए सुटेबल नहीं है। तो यदि अगर एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँ कि जो ईएस है स्वीप स्पीड एरर 3% लेते हुए और स्वीप वोल्टेज को 10 वोल्ट मानते हुए अगर वीसीसी जो रिक्वायर्ड वीसीसी की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करें तो वो आएगी आपकी 330 वोल्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, इनकन्वीनियंट है, एक तरीके से इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए जो एक्सपोनेंशियली चार्जिंग मेथड है वो सिर्फ लोअर स्वीप वोल्टेज जहाँ रिक्वायर्ड है ऐसी एप्लीकेशंस के लिए ही सुटेबल है। दूसरा मेथड है आपका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग यूजेटी। इसमें जो स्विच के रूप में एक तरीके से यूजेटी को हमने काम में लिया है, ये सर्किट है इसका, ठीक है। यूजेटी एज एन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ठीक है। वीसीसी है, आर वेरिएबल है, कैपेसिटर सी के अक्रॉस हमारा आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग हम इस प्रकार समझ सकते हैं, थ्रू दिस आर इस प्रकार कैपेसिटर चार्ज होगा। ये वेव फॉर्म दिखा रखी है मैंने आपकी, ये वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस, और ये है आपका बी वन टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में ये है। तो इस स्थिति में वर्किंग को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि इनिशियली जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वीसीसी के आर और सी, ये जो नेटवर्क है इसके अक्रॉस वीसीसी अप्लाइड है, और इस रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू कैपेसिटर आपका चार्ज होने लगता है, इस प्रकार एक्सपोनेंशियली चार्ज होने लगता है। जैसे ही स्वीप टाइम आता है, या कह सकते हैं कि जो वीसी का मान रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के पीक पॉइंट वोल्टेज के बराबर होता है, आपका यूजेटी ऑन हो जाता है और कैपेसिटर इस RV1 और यूजेटी के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। तो जैसे ही स्विच ऑन हुआ आपका कैपेसिटर चार्ज होने लग गया, और जब कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज VP वोल्टेज के बराबर होता है त्यों ही आपका यूजेटी ऑन हो जाता है, और यूजेटी आपका जो कैपेसिटर है वो यूजेटी और RV1 के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये पता है, तो इस स्थिति में जो RV1 के अक्रॉस वोल्टेज है वो सिर्फ जो रिट्रेस इंटरवल है उसके ड्यूरेशन में एक पॉजिटिव पल्स के रूप में मिल रहा है तरीके से, ठीक है। तो इसमें हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के अंदर जब बात करते हैं तो या चार्जिंग डिस्चार्जिंग यूजिंग यूजेटी की बात करते हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो होता है आपका RC log E 1/(1 - η)। इसको अगर log टू द बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.3 × log 10 1/(1 - η)। F फ्रिक्वेंसी होगी आपकी स्वीप फ्रिक्वेंसी 1/T, ये टाइम पीरियड है इसका, टाइम पीरियड है इक्वल टू TS + TR। नीटा है आपका स्टैंड ऑफ रेशियो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है आपका पीक वोल्टेज ऑफ यूजेटी डिवाइडेड बाई VC, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो फ्रिक्वेंसी है स्वीप फ्रिक्वेंसी है R के मान में परिवर्तन करके स्वीप फ्रिक्वेंसी के मान में परिवर्तन कर सकते हैं, तो आपका जो कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट है वो ऑलमोस्ट लीनियर आएगा। ये दूसरा मेथड है। अगर इसी मेथड में अगर हम कैपेसिटर की चार्जिंग कांस्टेंट करंट सोर्स की माध्यम से करें, ठीक है, जैसे कि ट्रांजिस्टर के माध्यम से करें, तो जो तीसरा मेथड है वो आता है आपका कांस्टेंट करंट चार्जिंग। तो कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड में क्या काम में लिया है हमने, एक जीनर डायोड, एक ट्रांजिस्टर और यूजेटी। ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर से ही मिलता जुलता सर्किट है, ठीक है। इसमें सिर्फ जो चार्जिंग है वो कांस्टेंट करंट जनरेटर के माध्यम से हो रही है एक तरीके से,
ठीक है। तो जो कैपेसिटर की चार्जिंग है, यदि मैं कहूँ कि कांस्टेंट करंट के माध्यम से हो रही है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है अपन जानते हैं, VC इक्वल टू 1/C इंटीग्रल I इंटू DT। अगर करंट I है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ DT दैट इज T इक्वल टू, तो आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, VC इक्वल टू I/C इंटू T। तो स्पीड स्वीप स्पीड क्या हो गई आपकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज, तो DVC/DT इक्वल टू I/C। इसकी वेव फॉर्म आपकी बात करें तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट सॉटूथ वेव फॉर्म आएगी, ठीक है। तो अगर हम कैपेसिटर की जो चार्जिंग है कांस्टेंट करंट सोर्स से करें, तो जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो परफेक्ट सॉटूथ वेव फॉर्म की फॉर्म में आएगी। अब एक और जो लीनियरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम मिलर और बूट स्ट्रैप सर्किट का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो सर्किट है ये आपका जो सिंपल स्वीप जनरेटर का सर्किट है, जिसके अंदर कैपेसिटर को हम आर के थ्रू चार्ज करते हैं, ठीक है। और जब स्विच एस क्लोज हो जाता है, जो कि वोल्टेज कंट्रोल स्विच है, तो आपका कैपेसिटर एक तरीके से एब्रप्टली डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। अगर इस सर्किट में हम ये अज्यूम करें कि इसके अंदर एक इमेजनरी वेरिएबल जनरेटर जिसका मान वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रहे हमेशा, क्या एक इमेजनरी वेरिएबल वोल्टेज जनरेटर जिसका कि मान हमेशा कैपेसिटर वोल्टेज के बराबर हो, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, आपका जो चार्जिंग करंट है ये कांस्टेंट हो जाएगी और लीनियरिटी इसकी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर इस सर्किट को देखें हम, तो इसमें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं कहता हूँ, अगर मान लीजिए हमने जेड को, ये पॉइंट जेड को ग्राउंड कर दें और इस सर्किट को रीड्रॉ करें, तो सर्किट इस प्रकार बनेगा, ठीक है, इस प्रकार बनेगा। उसके पश्चात अगर मैं कहूँ कि जो जनरेटर है आपका इमेजनरी जनरेटर, ठीक है, ये इस स्थिति में जेड को ग्राउंड करते ही जो वाई और जेड के अक्रॉस आउटपुट है वो आपको क्या मिलेगा, आपका लीनियर स्वीप वोल्टेज जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। अब यदि हम जो जनरेटर वी है इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के द्वारा रिप्लेस कर दें, जिसके आउटपुट टर्मिनल होंगे आपके वाई और जेड और इनपुट टर्मिनल होंगे आपके एक्स और जेड, तो क्या होगा, जैसा कि हम पहले ही अज्यूम कर चुके हैं कि जो वोल्टेज है जनरेटर का वो हमेशा किसके कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर होगा। अगर ऐसा होगा तो इस स्थिति में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसका इनपुट शून्य होगा, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो बिंदु जेड है वो वर्चुअल ग्राउंड की तरह काम करेगा, और इस अरेंजमेंट से फाइनेट आउटपुट लेने के लिए हमारे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन है वो इट शुड बी इनफाइनाइट। तो इस जो सर्किट को कहते हैं हम मिलर सर्किट, ये सर्किट है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से अगर इंटीग्रेटिंग एम्पलीफायर बनाएं तो वो एक तरीके से मिलर सर्किट होगा, ठीक है। इसमें जो दूसरा वर्जन है आपका, अगर इस सर्किट में हम बिंदु वाई को ग्राउंड करते हैं, तो क्या होगा, आपका बिंदु वाई को ग्राउंड करने के पश्चात जो जेड और वाई बिंदु के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो आपका लीनियर स्वीप वोल्टेज होगा जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। और उसके पश्चात अगर हम वी जनरेटर को ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिप्लेस कर देते हैं और सर्किट को पुनः ड्रॉ करते हैं, तो सर्किट आपका इस प्रकार बनेगा, आपका आउटपुट आएगा आपका जेड और वाई के बीच में और इनपुट आ रहा है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक्स और वाई के बीच में। तो जब हम पहले ही अज्यूम कर चुके हैं कि जो जनरेटर का वोल्टेज है वो आपके किसके बराबर होगा, हमेशा कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर, तो इसके पश्चात क्या होगा, जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो होगा आपका इनपुट के बराबर। तो ये तभी पॉसिबल है जब जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका गेन मस्ट बी प्लस वन, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो मेन मेथड्स हैं आपके, मैं वापस से समराइज कर दूँ आपको टाइम वेस्ट जनरेटर्स के, कि आपके सबसे पहले चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स,
उसके अंदर जो आपके तीन प्रोसीजर्स हैं आपके एक्सपोनेंशियल चार्जिंग, ठीक है, दूसरा है आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग यूजिंग UJT, तीसरा है आपका कांस्टेंट करंट चार्जिंग, और लीनियरिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो दो बड़े मेथड हैं, इम्पोर्टेंट मेथड हैं, वो आपके हैं मिलर एंड बूटस्ट्रैप सर्किट्स।